ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸਟੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਨ ਐਸਟੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ देखिए अगर कनाडा किसी बच्चे ने वीजा लेना है तो वीजा कैटेगरी दो टाइप की है एक एस डी एस एक नॉन एस डी एस एस डी एस स्टैंड फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम ओके इसके बाद जो दूसरी नॉन एस डी एस इसको जेनडिक कैटेगरी भी बोलते हैं ओके तो एस डी एस में वीजा सक्सेस रेट हाई है लेस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है ओके, बहुत कम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तीन कंडीशन अगर आप बीट करते हो तो आप एस डी एस में फॉल होंगे अगर उसमें से तीन में से कोई एक भी कंडीशन आप मिस करते हो तो ऑटोमेटिकली यू विल फॉल अंडर नॉन SDS। ओके ठीक है तो एस डी एस में तीन चीजें क्या क्या है फर्स्ट थिंग आपको आयल्स करनी होगी ओनली आयल्स ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कनाडा में टफल पे भी बच्चा जाता है पे पे भी पे भी जाता जाता है गए। जान गए। जान हाँ। है पीटी ठीक लेकिन एस डी एस कैटेगरी के, के अंदर आपको सिर्फ ही करनी होगी ओके okay, ठीक है अगर जाना है फिर मैं बोलना चाहूंगा ओनली आयल्स okay, अकेडमिक आयल्स हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लेते हैं कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपकी जनरल आयल्स आपने कर रखी है वो भी एक्सेप्टेबल हो जाती है ठीक है अब आयल्स में आपके सिक्स ईच होने चाहिए ओके देखा जाए तो पीजी प्रोग्राम के लिए सिक्स पॉइंट फाइव बैंड नो लेस देन सिक्स की रिक्वायरमेंट है हुँ. और यूजी प्रोग्राम के लिए सिक्स ईच की रिक्वायरमेंट है लेकिन यूजी में भी अगर आपने डिप्लोमा के अलावा अगर आपने बैचलर करनी है तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट साढ़े छह बैंड नो लेस देन सिक्स होती है ठीक है ओके okay. आप का एडमिशन चाहे विद ईएसएल हो गया या विद फाउंडेशन हो गया किसी की रिक्वायरमेंट मान लो साढ़े छह बैंड है और आपके सिक्स ईच है आपको एडमिशन तो मिल गया विद right. फाउंडेशन और विद तो ऐसा बच्चा भी एस डी एस में ही फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू द आयल्स की रिक्वायरमेंट सिक्स है एस डी एस के लिए पहली कंडीशन पहली कंडीशन होगी दूसरी कंडीशन आपको साल की फीस पे करनी होगी okay. पूरे साल की ट्यूशन फीस यू हैव टू पे अप अप्रंट इन द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अकाउंट ठीक है हुँ। अगर आपने साल की फीस नहीं भरी तो आप एस डी एस नहीं होंगे ओके okay. तीसरी कैटेगरी एक साल का जो आपका खाने पीने रहने का खर्चा है लिविंग कॉस्ट ठीक है जिसको आप जी बोलते हैं या आपको फ्रंट मतलब स्टूडेंट का ऑनलाइन अकाउंट ओपन होगा और उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा दस हजार दो सौ डॉलर ठीक है इसको जी बोलते हैं गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट ठीक है तो तीसरी कंडीशन ये मीट होनी चाहिए आई सिक्स पहली कंडीशन दूसरी साल की फीस ट्यूशन फीस

आपका किसी में 5 .5 रह गया, हुँ। तो आप है। ओके। आपने किया, आप है। हुँ। आपने आपने किया, किया, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी की बात। दूसरी बात आपने साल की फीस नहीं पे की तो भी आप नॉन एस टी एस साल फीस नहीं पे की थी। मतलब फीस फीस। कर ट्यूशन ਕਿਸਾ ਆਪਨੇ GIC ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਨੇ GIC ਕੇ ਬਦਲੇ এডਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ GIC ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਨੋਨ ਐਸਡੀਐਸੋ ਮੇ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਚਾਵੇ 5.5 ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀ ਵਾਲਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਏ ਨੋਨ ਐਸਡੀਐਸ ਮੇ ਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੀਸ ਹੈ जो कैटेगरी जो नॉन एस डी एस कैटेगरी है वीजा कैटेगरी की जो चैकलिस्ट उसमें लिखा है कि ट्यूशन फी एज कॉलेज रिक्वायरमेंट और यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट अब यूनिवर्सिटी छह महीने की मांग सकती है साल की अच्छा है. है. मेन okay. मतलब इन्होंने तालमेल नहीं है तो उधरों ही नॉन एस डी एस कैटेगरी बननी शुरू हो जाती है, जी, 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 जी. है जो कोई अपलाई करना चाहे डेफिने और भी बहुत सारे हैं okay, आपने अगर में स्कोर ठीक ही नहीं आया या पीटी कर लिया टोफल कर लिया ऑटोमेटिकली आप नॉन एस है। हैं आपने पीटी किया टोफल किया पता नहीं कितने हजारों बच्चों के हम वीजे लगवा चुके हैं नॉन एसडीएस में ठीक okay, है दूसरा क्या है की हम रिकमेंड करते हैं की साल की फीस पे करो हम रिकमेंड करते हैं आप जी लो इसके अलावा बच्चे को नेक्स्ट ईयर के फंड दिखाने होते हैं नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस और लिविंग कोस्ट दिखानी है इसके अलावा जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन या या आप आप खुद या आपका स्पाउस तो उनकी आई टी आर होनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फिर जो भी जिस भी प्रोफेशन से वो रिलेटेड है जिस भी प्रोफेशन से वो अटैच है उनके एविडेंस ही हमें कोई okay. बिजनेस करता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट लाइक कंपनी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर करंट अकाउंट स्टेटमेंट आईटीआर विद कंप्यूटेशन प्लस में विजिटिंग कार्ड लेटर हेड बिल बुक्स ये सब ठीक hmm. है अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो आपके स्पॉन्सर्स है okay. आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट सैलरी सैलरी स्लिप्स आईटीआर पर द बिजनेस कार्ड अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके आर फिर आपका डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड करंट आपकी जो सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट इसके अलावा जीपीएफ की एनुअल स्टेटमेंट ये सब चीज सी अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट और फरद की जमाबंदी है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट इसके अलावा पेंशनर है तो पेंशन अकाउंट स्टेटमेंट आई टी आर एज पर देंशन और पेंशन जो रिटायर हुए रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट मतलब आप नॉन एस डी एस में अगर जा रहे हैं तो जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड आपके स्पॉन्सर्स हैं आई तो टी के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए जो उनके प्रोफेशन को जस्टिफाई करे आप कह सकते हो जैसे न्यूजीलैंड की फाइल बनती है जैसे ऑस्ट्रेलिया की फाइल बनती है ऐसे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने होंगे okay. लेकिन एस डी एस में ऐसा कुछ नहीं है अच्छा एस डी एकेडमिक स्कोर है लास्ट अपनी एजुकेशन है कैटेगरी के ऊपर देखिये जहां तक मैं आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ चाहे आपकी परसेंटेज फिफ्टी परसेंट है चाहे फोर्टी फाइव परसेंट है वो एक अलग बात है कि भी आपका वीजा लगे ना लगे वो यूनिवर्सिटी का काम वो एम्बेसी का काम है कोई आपको अगर एडमिशन फोर्टी फाइव या फिफ्टी पे या फोर्टी एट पे भी दे रहा है और इसके अलावा आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं चाहे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं अगर आपके सिक्स है और डीएलआई अप्रूव आपका इंस्टीट्यूट है ठीक है ठीक है और साल की फीस पे करते हो जीआईसी पे करते हो आप एस डी एस होंगे इनमें से कोई एक भी चीज मिस है तो आप नॉन एसडीएस अच्छा प्रदीप जी मैं किसी कंसलटेंट ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸਡੀਐਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਐਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਐਸਡੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਐਸਜੀਐਸ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ کہیں ਨਾ کہیں ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ एजुकेशन uh, में बिलीव नहीं करते वो पूरा नॉलेज नहीं लेते है? ठीक है मैं किसी को भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम इज दैट ऐसा इंडस्ट्री में बहुत सारे कंसल्टेंट टीवी पे भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे बोलते हैं इवन के भी भी हैं, इवन के के काउंसलर्स भी हैं मतलब दुखद बात है कि, कि किसी ने पांच साल सात साल काम किया है जब वो बोलते हैं ना जी एस कॉलेज में एडमिशन करा देंगे तो बड़ी हंसी आती है और दुख लगता है कि ये क्या है तो जब उनसे पूछा जाता है बोले जी हमारे इंस्टीट्यूट ने या हमारे कंसल्टेंट या मेरे इंप्लॉयर तो ऐसे ही बोलता था देखिए कोई भी कॉलेज चाहे यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है यूनिवर्सिटी है चाहिए private, चाहिए वो होना चाहिए, अगर आपका चाहे डायरेक्ट एंट्री होती है डायरेक्ट एडमिशन होता है या विद फाउंडेशन और तो कंडीशन आपने मीट कर ली दूसरा चाहे आपकी परसेंटेज लो है चाहे ज्यादा है आपका एडमिशन हो गया सिक्स ईच पे तो आपकी एक कंडीशन मीट हो गई है ओके। तो वहां कोई भी कॉलेज अलग से नहीं है कि ये एस डी एस कैटेगरी वाला है ये नॉन एस डी एस कैटेगरी वाला ऐसा नहीं है ठीक है प्राइवेट कॉलेज में भी एस डी एस अगर सिक्स ईच है ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर सिक्स ईच है तो एस डी एस हो सकता है यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन सिक्स होता है तो एसडीएस हो सकता है पहली कंडीशन किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो सिक्स और आयल्स ओनली आयल्स दूसरी बात साल की फीस पे करनी पड़ेगी तीसरी बात आपने जीआईसी लेना होगा तीनों चीज अगर आपकी मैच करती है मीट करती है एडमिशन आपका कहीं भी हुआ हो किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हुआ हो

सिक्स ईच साल की फीस और जीआईसी ਤੋ ਆਪ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੇਂ ਹੀ ਰਹੇਂਗੇ ਓਕੇ ਚਕਾ ਅਗਰ ਇਨ ਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਏਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਨੋਨ ਐਸ ਟੀ ਐਸ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ ਨੋਨ ਐਸ ਟੀ ਐਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਸਪான்ਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਏ ਨੋਨ ਐ जो यूनिवर्सिटी जो एम्बेसी बोलती है वो बोलती है कि भाई आपने आपका एडमिशन हो गया आपने फी पे कर दी आपने जीआईसी लिया या फिर आपने एजुकेशन लोन लिया चलो वहां तक ठीक है इसके बाद वो बोलती है नेक्स्ट ईयर के आपको फंड दिखाने ठीक है नेक्स्ट ईयर के फंड मतलब वो देखना चाहते हैं कि भाई आपकी फैमिली फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है आपके पास फंड अवेलेबल है नहीं रिमेनिंग ईयर के जो मतलब जो आप मान लो आपने साल की फीस पे कर दी व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर के फंड्स आपके पास होने चाहिए और आपको अकाउंट में दिखाना होगा ओके ठीक है आपके पास अगर पुराने फंड है तो वेल एंड गुड है लेकिन हाई कमीशन कहीं नहीं बोलती कि भाई आप करंट फंड नहीं दिखा सकते ओके। लेकिन अगर आपने टोटली करंट पैसा जमा कराया है तो कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर के हाथ में डिसीजन है ओके। वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं तो आई ऑलवेज रिकमेंड की आपका जो भी स्पॉन्सर है उसका अकाउंट का फ्लो होना चाहिए पैसा पुराना होना चाहिए आता जाता हुआ होना चाहिए, ठीक है मतलब एक तरह से वो फंड्स अवेलेबल होना चाहिए मतलब एकदम आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया और नेक्स्ट डे आपने स्टेटमेंट निकाल के फाइल एम्बेसी में लगा दी वीजा आ सकता है रुक भी सकता है ओके ठीक है बारे सर इसके अलावा जितने भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, हैं उनकी आईटीआर होनी चाहिए और आईटीआर के साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड है उनके डॉक्यूमेंट देने होंगे मैंने तो बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ बार दे। बार रिपीट करूंगा तो ये शो बहुत बड़ा हो बहुत जाएगा चाहिए। चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब से रिलेटेड पेंशन है तो पेंशन से रिलेटेड इसके अलावा अगर अपना एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट देने होंगे साथ साथ में क्योंकि नॉन एस डी एस कैटेगरी में जा रहे हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि सी ए रिपोर्ट लगाओ ओके। हाई कमीशन को बताओ कि यू बिलोंग टू द फाइनेंशियल साउंड फैमिली आपकी फैमिली में जो जो पर्सन है आप खुद आपके ब्रदर सिस्टर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ इसके अलावा आपके मम्मी पापा आपके दादा दादी जितने भी पर्सन है उनके पास जितना भी लिक्विड और फिक्स्ड असेट्स हैं जमीन मकान दुकान प्लॉट ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी कार ठीक है उन सब की वैल्यूएशन लगवाओ साथ साथ में आपके पास कैश है चाहे अकाउंट में है चाहे आपके पास बाहर कैश है ठीक है इसके अलावा एफडी है इसके अलावा इंश्योरेंस है जो भी आपका लिक्विड और फिक्सडसेट्स है आपकी फैमिली की उसकी सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाओ साथ, -साथ में वो एविडेंस भी लगाओ हुँ. अब आपने सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखा है मेरे पास ये प्रॉपर्टी है चाहे मम्मी के नाम है चाहे पापा के दादा दादी भाई बहन किसी के नाम है आपने लिखा कि दो करोड़ की है तो वो प्रॉपर्टी की फोटोकॉपी लगाओ आप कह रहे हो कार है कार की आरसी लगाओ आप कह रहे कि जी करंट में पैसा अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उसकी लगाओ आप कह रहे है, गोल्ड है तो गोल्ड का सर्टिफिकेट लगाओ आप कह रहे इंश्योरेंस है इंश्योरेंस की फोटोकॉपी लगाओ मतलब जो भी सीए वैल्युएशन रिपोर्ट में आप बता रहे हो कि ये ये mention, ये ये चीजें हमारे पास उसके एविडेंस जरूर दो तो ये जो सी ए वैल्यूएशन रिपोर्ट है कि भाई आप फाइनेंशियल फॉर द हायर एजुकेशन इन कनाडा ओके सर एसओपी दोनों ना जरूरी है देखो स्टेटमेंट और पर्पज एस डी एस वैसे पहले रिक्वायर्ड नहीं था अच्छा चेकलिस्ट में नहीं है लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि एक क्योंकि नो एस डी एस में कोई डॉक्यूमेंट जाता ही नहीं है ठीक है सिर्फ आपके क्या नाम है साल की फीस पे कर दी आपका एल ओ ए क्या नाम है जीआईसी होगी आपकी हो आई एस हो गया इसके अलावा वीजा इन्फॉर्मेशन फॉर्म है जिसमें आपको सिर्फ डिटेल भरनी होती है फंड दिखाने नहीं है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने सी ए वेल्यूएसन रिपोर्ट नहीं दिखानी ठीक है इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट तो जा ही नहीं रहा एसओपी से आप कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर को बता सकते हो कि आप एग्जैक्टली exactly हो क्या आपकी इंटेंशन क्या है आपकी फैमिली कितनी फाइनेंशियल साउंड है तो आपको एसओपी लगानी चाहिए है। अगर बात करें नॉन यस हाईली रिकमेंड है वहां तो एसओपी और भी जरूरी है ठीक है मुड़ मुड़ के गल फिर तो आ जाती है भी नॉन का रेट है यस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जाओ यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनके नॉन एसडीएस में वीजा है देखना ये होगा देखो नॉन एस डी एस में और SDS, SDS में है, मैं हैं। लेकिन में भी वीजा रिजेक्ट होते वीजा रिजेक्ट होते हैं। क्या है आप नॉन एसडीएस आपकी एक मॉड्यूल में फाइव पॉइंट फाइव रहेगा आपने पीटी कर लिया टफल कर लिया पीटी में जहां सिक्स की रिक्वायरमेंट है या आपने क्या नाम है सिक्स पॉइंट फाइव नॉलेज की रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं आपका स्कोर लो गया तो रीजन है ना साथ साथ में साथ साथ में जब उन्होंने डिफाइन किया ही हुआ है कि एसडीएस में हम सक्सेस थोड़ा सा हाई रखेंगे और फास्ट प्रोसेस करेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ और इसके अलावा ठीक है अगर आप नहीं उसमें फोल्ड कर पा रहे तो नॉन एस में वीजा आएगा आपने बी कर ली बैचलर कर ली मास्टर्स कर ली इधर से आपका बैंड स्कोर कम रह गया और इधर से कहना मैं है और क्वालिफाइड हो तो बहुत सारे पेरामीटर है जिसमें वीजा रिजेक्ट होता है रिजेक्ट रीजन ठीक है सर थैंक यू जुड़ने के लिए सवाल जी सी का सकते और हो और चाहे एस डी एस कैटागरी चो या फिर नॉन एस डी एस चो तुम कैनेडा जाने का सुपना संजो के बैठे हो तो बस नोट से थोड़ी हेल्प कर सकते हैं इन्होंने नंबर से कॉल करके अपनी मैं जाते जाते एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि वेस्ट नोट इज इमीग्रेशन लॉयर है कि पैनल में इमीग्रेशन लॉयर है वी आर रेगुलेटेड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट वी आर द टू ऑफिस इन कैनेडा एक मिसी सागा में है एक हमारा सिडनी सिटी नोवा अपना नोवा तो जो का वीजा लगवाते हैं वेस्टिट से तो उनको हम एयरपोर्ट पिकअप अकोमोडेशन इसके अलावा वहां किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है टिल सिटीजनशिप ठीक है हम हर एक स्टेप पर आपकी हेल्प करते हैं जी थैंक यू सर जी वेलकम